प्रीति जिंटा ने कर दिया बड़ा ऐलान। पंजाब के कप्तान बने रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के दो खिलाड़ी साथ लाएंगे हिटमैन। अगले साल आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले मेगा ऑक्शन होना है, जिसका पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मगर इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज कर सकता है। ऐसे में हिटमैन ऑक्शन में उतरते हैं तो उन पर बिडिंग वार देखने को मिल सकती है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच संजय बागर ने इस विषय पर बड़ा खुलासा कर दिया है। हिटमैन रोहित शर्मा साल 2011 से मुंबई इंडियंस के लिए खेलते आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया है। ऐसा खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में आए तो कौन उन पर बोली नहीं लगाना चाहेगा। रोहित में दिलचस्पी दिखाने वाली टीमों में से एक पंजाब किंग्स भी है। अब पंजाब किंग्स के हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट और भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज कोच संजय बागर ने इस संबंध में बहुत बड़ा बयान दे डाला है और बता दें कि प्रीति जिंटा ने भी इसमें बड़ी हामी भरी है। मेगा ऑक्शन में रोहित आएंगे तो पंजाब लगाएगा दांव। पंजाब किंग्स के साथ हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट के तौर पर जुड़े संजय बागर ने स्वीकार किया है कि यदि रोहित शर्मा ऑक्शन में आते हैं तो उन पर बहुत बड़ी बोली लगने की संभावना होगी। उन्होंने कहा, हम उन्हें खरीदेंगे या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास पैसा कितना होगा। यदि रोहित ऑक्शन में आते हैं तो मैं वाकई मानता हूं कि उन पर बहुत ऊंची बोली लगेगी। रोहित बनेंगे पंजाब के कप्तान। पंजाब किंग्स को इसलिए भी रोहित शर्मा का साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि इस फ्रेंचाइजी को नए कप्तान की जरूरत है। शिखर धवन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। धवन पिछले कई सीजन से पंजाब के कप्तान का रोल अदा कर रहे थे। ऐसे में आईपीएल 2025 में पंजाब को एक नए कप्तान की जरूरत होगी। ये दो खिलाड़ी भी पंजाब में साथ ला सकते हैं रोहित। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक रोहित शर्मा अगर मुंबई से पंजाब में आएंगे तो वो अपने साथ ईशान किशन और नहल वडेरा को साथ ला सकते हैं। ईशान किशन को मुंबई अगले सीजन रिलीज कर सकती है तो पंजाब उन्हें खरीद लेगी, जिनसे उन्हें एक ओपनर और विकेट कीपर बल्लेबाज मिलेगा। साथ ही नहल वडेरा खुद पंजाब के रहने वाले हैं तो पंजाब में आ सकते हैं क्योंकि उन्हें भी मुंबई रिलीज कर सकती है। नहल को लेकर पहले भी रोहित कह चुके हैं कि उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो नहल वडेरा रोहित की टीम में फिर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को 2025 में किस टीम के लिए कप्तानी करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।